हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट जिनको आप अपने गार्डन में किसी भी सीजन में लगा सकते हैं। और जब हम इनका एक प्लांट लगाते हैं तो वो कब एक से अनेक हो जाते हैं, एक से दो हो जाते हैं, दो से चार हो जाते हैं, और उनकी जो क्वांटिटी है हमारे गार्डन में बढ़ती ही रहती है और उनको हमें दोबारा दोबारा खरीदना नहीं पड़ता है। तो कौन से वो प्लांट है शेयर करूंगी इस वीडियो में, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्लांट है, देखिए, एग्लोनीमा। एग्लोनीमा एक ऐसा प्लांट होता है जो अपनी जड़ों से ही अपने छोटे छोटे प्लांट निकालता है। सिर्फ आपने इतना ही करना है कि जब भी आप इसको नर्सरी से लाएं तो ये आपको 100-150 रुपये का मिल जाता है एक छोटा प्लांट। और इसको बहुत बड़े गमले में नहीं लगाना होता है, छोटे गमले में और अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना है जिसमें पानी नहीं रुके, और ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको अच्छी ब्राइट लाइट मिले, कुछ एक आधे घंटे की धूप भी मिल जाए सुबह वाली, और ये अच्छे से चलता रहता है। ओवर वाटर नहीं करना है। और फिर इसकी जड़ों से ही देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं जिनसे ये मल्टीप्लाई होता है और एक से दो, दो से चार जो हो जाते हैं। दूसरा प्लांट होता है अरेका पाम। अरेका पाम भी जो है हर सीजन में नर्सरी पर आपको आसानी से मिल जाता है। और जब हम इसका एक प्लांट लगाते हैं तो देखिए इसकी जड़ों से ही साथ साथ छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं वो निकलते रहते हैं जिससे ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो एक प्लांट या दो प्लांट हम लगाते हैं तो कब ये दो से तीन, तीन से चार, पाँच हो जाते हैं। और देखिए मैं भी इसको कोई 5-6 महीने पहले नर्सरी से लाई थी तो ये दो तीन प्लांट थे, अब इसकी जड़ों से और छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं जिससे ये मल्टीप्लाई हो गया। और अगले साल तक ये और ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे और एक दिन तो ये पूरा गमला ही इस प्लांट से भर जाएगा। तो इस तरह के प्लांट आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं जो एक से दो, दो से चार हो जाते हैं। तो देखिए ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी एक परमानेंट और लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट होता है, और ये भी अपनी जड़ों से बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकालता है जिससे ये मल्टीप्लाई होता है। जब ये प्लांट मैं नर्सरी से लाई थी तो इसमें दो या तीन प्लांट थे सिर्फ, और इसको मैं घर आके देखिए एक, मुझे एक साल हो गया है इसको लाए हुए, और अभी देखिए मेरे पास सिर्फ मैं दो तीन प्लांट नर्सरी से लाई थी इसके जो एक ही गमले में लगे हुए थे, अभी मेरे पास इसके कम से कम भी 10 प्लांट हैं। तो इस तरह के प्लांट आप लगा सकते हैं जो एक से दो, दो से चार, चार से 6-8 हो जाते हैं और आपके गार्डन में जो मल्टीप्लाई होते रहते हैं और उनको आपको दोबारा कभी खरीदना नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट प्लांट देखिए ये है वेरीगेटेड वाला रियो। ये भी मैं जब नर्सरी से लाई थी तो ये बहुत ही छोटा सा प्लांट था, और ये देखिए इसी से लेके मैंने सेपरेट करके एक और इसका प्लांट बनाया है, और इसी गमले में देखिए बहुत सारे प्लांट हैं। तो ये जो रियो का प्लांट होता है जहाँ इसको बोर्ड लिली भी बोलते हैं, ये आपको दो तीन टाइप में मिल जाता है। और जब आप इसका एक प्लांट लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जो प्लांट है अपनी जड़ों से निकालता है जब ये थोड़ा सा जो है अपनी जड़ें पकड़ लेता है। और देखिए इस तरीके से इनको आप डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट नए नए बना सकते हैं, अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। एक तो ये परमानेंट प्लांट होता है, डेकोरेटिव प्लांट होता है और देखने में खूबसूरत लगता है, आप किसी को दे भी सकते हैं। तो देखिए ये प्लांट होता है चेन प्लांट। तो चेन प्लांट जैसे इसको बास्केट प्लांट भी बोलते हैं, हैंगिंग बास्केट में जब हम इसका एक प्लांट लगाते हैं तो इसकी जड़ों से देखिए एक इस तरीके से स्टिक से निकलती है, और स्टिक से स्टिक के आगे वाली साइड जो है एक छोटा सा बेबी प्लांट्स लटका रहता है, और इस तरीके से ये प्लांट मल्टीप्लाई होते हैं। जब मैं इसको नर्सरी से लाई थी तो ये मुझे 30 रुपये का एक छोटा सा प्लांट मिला था, तो अभी मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट हैं। मैं जो मेरे से मांगता है मैं उसको भी देती हूँ, और अलग अलग गमलों में मैं खुद भी इनको ग्रो करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। तो देखिए मैंने इसी प्लांट से लेके सेपरेट करके एक और भी लगाया हुआ, और इसके अलावा भी मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट हैं। तो ये भी चेन प्लांट जो है एवरग्रीन है और हर सीजन में ग्रो करता है, केयर कोई ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, सेमी शेड एरिया में 1-2 घंटे की धूप में ये अच्छे से ग्रो करता है। तो देखिए ये है एक लक्ष्मी कमल, सेक्युलेंट प्लांट कह सकते हैं इसको, और एक शुभ भी होता है घर में लगाना, लक्ष्मी कमल इसका नाम ही शुभ है। तो देखिए एक छोटा सा प्लांट मैं नर्सरी से लेके आई थी तो अभी देखिए मेरे पास इसके कितने ही प्लांट हैं। कोई एक साल पहले मैं इसका, 1 या 1.5 साल पहले एक छोटा सा प्लांट नर्सरी से लेके आई थी तो अभी देखिए मेरे पास इसके कम से कम भी 10 से ज़्यादा प्लांट हैं। तो इस तरीके के प्लांट आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में, जो एक आप प्लांट लगाएं तो अगले साल तक आपके पास उसके 8-10 प्लांट हो जाएं और आपको दोबारा उसको खरीदना ना पड़े। तो देखिए ये जो प्लांट होता है इसको बोलते हैं पीस लिली। ये एवरग्रीन प्लांट होता है, पूरा साल इसी तरीके का हरा भरा बना रहता है, और गर्मी के सीजन में इसमें फूल भी आते हैं, और फूल गर्मी में आते हैं मगर प्लांट ये पूरा साल हरा भरा बना रहता है। जब आप इसका एक प्लांट लगाते हैं तो जब ये थोड़ा सा जो है प्लांट अपनी जड़ें अच्छे से पकड़ लेता है और फिर इसकी जड़ों से ही इसके इस तरीके से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं जो इसके साथ ही बड़े होते रहते हैं। तो आप चाहो तो इन्हीं बेबी प्लांट्स को निकाल के एक नया प्लांट भी बना सकते हैं। अगर आपसे कोई, आपका नियर डियर्स कोई रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में
या आपके जो मोहल्ले वाला कोई नेबर्स मांगे तो आप उनको दे भी सकते हैं, ऐसे दिवाली गिफ्ट भी दे सकते हैं, जैसे कल दिवाली है। तो देखिए इस तरीके के प्लांट आप लगा सकते हैं। तो देखिए ये प्लांट होता है एलोवेरा का, एक बहुत ही खूबसूरत, देखने में भी खूबसूरत होता है और इसमें फूल भी खिलते हैं, और जो मेडिसिनल इसकी वैल्यू होती हैं उससे कोई भी अनजान नहीं है। और देखिए इस तरीके से जब हम इसका एक छोटा सा प्लांट लगाते हैं तो वही प्लांट हमें नए नए छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बना के देता है। तो इस तरीके के प्लांट लगाइए जो आपके घर की हवा, अगर इंडोर में लगाते हैं इसको, अगर की हवा को भी शुद्ध करता है और बहुत सारी इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती हैं और देखने में भी खूबसूरत लगता है और फूल भी इसमें खिलते हैं। तो देखिए ये भी एक सक्कुलेंट प्लांट ही है। जब मैं इसको नर्सरी से लाई थी तो मुझे एक छोटा सा प्लांट मिला था, कम से कम 3-4 साल पहले की बात है, तो मुझे 40 से 50 रुपये का एक प्लांट मिला था। तो अभी देखिए मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट हैं और जो भी मेरे से मांगता है तो मैं एक छोटा सा प्लांट उनको भी दे देती हूँ। तो बहुत लोगों को मैंने दिया भी है। तो देखिए ये अभी मेरे पास भी बहुत सारे हैं और इस तरीके से डिवाइड कर करके मैंने भी और गमले भी बहुत सारे बनाए हैं। और देखिए अगर आपको इसको डिवाइड करना है तो इसके साइड से एक छोटा सा प्लांट आप तोड़िए, इस तरीके से इसको लगा दीजिए। इतना ही करना होता है कि एक तो इसको ज़्यादा पानी नहीं देना होता है, ज़्यादा धूप में नहीं रखना होता है, ऐसी जगह रखना होता है जहाँ इसको सुबह की 1-1.5 घंटे की धूप मिल जाए और अच्छे से अच्छी ब्राइट लाइट में रहे, तो फिर ये मल्टीप्लाई होता रहता है और अच्छे से चलता रहता है बिना किसी केयर के। तो देखिए ये अगेब का प्लांट, ये वेरिगेटेड अगेब है, इसमें इस तरीके से एक बिल्कुल ग्रीन भी होता है। तो ये भी इतने मल्टीप्लाई होते हैं कि एक प्लांट आप लगाते हैं तो इसकी जड़ों से ही बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते हैं जिनको डिवाइड करके आप बहुत सारे नए प्लांट भी बना सकते हैं। नर्सरी पर लेने जाएंगे ये आपको 30-40 रुपये का 50 रुपये का मिलेगा। तो ये देखिए मैंने भी डिवाइड करके इनके प्लांट जो है लगाए हुए हैं। तो इस तरीके के प्लांट जो है देखने में बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं और बिना केयर के ये चलते हैं और एवर ग्रीन होते हैं, हर सीजन में ग्रो करते हैं। और ये देखिए ये इसकी ग्रीन वाली टाइप है और इसकी भी जड़ों से देखिए कितने ही बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं। तो इस तरह के प्लांट आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं जो बिना केयर के चलते हैं और खुद ही मल्टीप्लाई होते हैं और दोबारा उनको खरीदने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। तो सिंगोनियम का जो प्लांट होता है, चाहे कोई भी इसकी टाइप हो, ये भी बहुत ज़्यादा फैलने वाला प्लांट होता है और बहुत ही कम केयर में ये चलता है। तो देखिए पिंक सिंगोनियम का प्लांट मैं नर्सरी से लाई थी, तो एक प्लांट लाई थी, तो अभी देखिए मेरे इसके पास मैंने खुद ही डिवाइड करके 3 प्लांट बना लिए हैं और 2-3 लोगों को मैंने दिए भी हैं इसके छोटे छोटे प्लांट। तो इस तरीके के प्लांट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं जो मल्टीप्लाई होते हैं, दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती और साथ में आप किसी को दे भी सकते हैं, बिना केयर के भी ये चलते हैं। स्पाइडर प्लांट देखिए इस तरीके से जब आपका प्लांट मैच्योर हो जाता है तो इस तरीके से इसके जो एक स्टिक सी निकलती है, स्टिक पर इसके बेबी प्लांट्स लगे रहते हैं, इनके साथ रूट्स भी होती हैं। अगर आपको नया प्लांट बनाना है जहाँ किसी को देना है, सिर्फ जो है सीजर की हेल्प से इसको थोड़ा सा ऊपर से कट करिए जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो किसी को दे दीजिए ना, जहाँ इस तरीके से देखिए इस तरीके से आपने इसको तोड़ना है, फिर इसको नई मिट्टी में लगा देना है। तो आप बहुत ही आसानी से आपका जो प्लांट है विद रूट्स आपको मिल जाएगा फ्री में ही अपने प्लांट से, और इस तरीके से आप इसको लगाइए तो नया प्लांट आपको सेम डे ही मिल जाता है। आप किसी को दे सकते हैं, खुद अपने घर में एक से ज़्यादा गमले ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए ये है एस्पेरिगस फर्न का प्लांट और ये भी जब हम इसको नर्सरी से लेने जाएंगे 40-50 रुपये का एक प्लांट मिलता है। जब हम इसको आके लगाते हैं तो इसके नीचे ट्यूबर्स होते हैं जिससे ये मल्टीप्लाई होता रहता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो अगर हम इसको अलग करना हो तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा हिस्सा इसको तोड़ के आप दूसरे गमले में लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपका नया प्लांट जो है बन जाता है। तो ये भी प्लांट ऐसा होता है बिना केयर के चलता है और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। देखिए इस तरीके से आप इसके नए प्लांट बना सकते हैं, अगर आपसे कोई मांगे तो इस तरीके से आप उनको दे भी सकते हैं। तो नर्सरी से लेने जाएंगे तो आपको 30-40 का 50 रुपये का प्लांट मिलता है। तो इस तरीके के प्लांट आप लगाइए कि कम केयर में भी चलें, साल भर भी बने रहें और इस तरीके से आपको नए प्लांट भी फ्री में बना के दें जो आप अपने घर में एक से ज़्यादा गमले भी बना सकें या किसी को दे सकें। तो देखिए ये प्लांट है रिबन ग्रास का। तो रिबन ग्रास भी एक ऐसा ही प्लांट होता है कि इसकी जड़ों से इसके नए नए जो प्लांट होते हैं वो निकलते रहते हैं जिनको डिवाइड करके हम जो है नए नए प्लांट आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, तो ये जो आपको फ्रेश फ्रेश जो इसके लीव्स दिख रहे हैं तो ये इसका नया प्लांट है। अभी मैं आपको निकाल के भी बताऊँगी इसका नया प्लांट, विद रूट्स भी निकलता है कभी कि ये देखिए इस तरीके से, अगर रूट्स नहीं भी हो तो भी ये चल जाता है। तो देखिए इस तरीके के इसके नए प्लांट इसकी जड़ों से ही निकलते हैं। नर्सरी पर लेने जाएंगे यही प्लांट आपको मिलेगा 40-50 रुपये का 60 रुपये का। तो अगर आपके पास प्लांट है, अगर आपसे कोई मांगता है जहाँ
आपके घर में नहीं है, आप किसी से ले सकते हैं, इस तरीके से नए प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे बहुत ही इजीली ये डिवाइड प्लांट से होके नया प्लांट इसका इजीली बन जाता है। तो इस तरीके के प्लांट आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं जो आपको नए नए प्लांट बना के देंगे। और देखिए ये है ड्रेसिना का प्लांट, इसकी भी जड़ों से इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं। वैसे ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, मगर इसके जड़ों से ही, जब ये प्लांट थोड़ा सा मैच्योर होता है तो जड़ों से ही इसके छोटे छोटे इसी की तरह छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं, जिनको आप डिवाइड करके नए प्लांट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो अपनी जड़ों से नए नए बेबी प्लांट्स निकालते हैं और खुद ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।